दोस्तों, अगर आप अपने लिए IFBK 7KG 5-star टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेने के लिए अगर प्लान कर रहे हैं या फिर आपके पास पहले से अवेलेबल है, दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप इस वॉशिंग मशीन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग प्रोग्राम को कैसे प्रैक्टिकली यूज़ कर पाएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है ये IFBK टॉप लोड वॉशिंग मशीन डेमो वीडियो है, जहाँ पर इस वॉशिंग मशीन के संबंधित आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है, जिससे कि आप मोटी चाल में कैसे वॉश कर सकते हैं, नॉर्मल प्रोग्राम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके अलावा वॉशिंग मशीन में कौन कौन से एरर जो आते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके के यूजफुल वीडियोस आपको हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, जो कि आपका नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। नन 24 घंटे चालू रखना, कोई दिक्कत नहीं है, मशीन तभी पानी लेगी जब उसको जरूरत होती है। पावर सप्लाई मशीन चलाए तभी चालू करना, बाकी समय 15। आउटलेट पर हमेशा नीचे रहेगा, प्रोग्राम के हिसाब से जब जब पानी निकालना निकालिए। कपड़े आपको इसके अंदर डालना, क्वाइन पिन, सेफ्टी पिन, दानों के पिन, बच्चों वगैरह हैं उनके कपड़े चेक करके डालना, कोशिश करना कोई सामान ना जाए, ठीक है ना। हर प्रोग्राम में कितने कितने कपड़े डालेंगे मैं बता दूंगा, ठीक है ना। आखिरी में आपको अलग से साइड में और बताऊंगा कि आपको यूज़ कैसा करना, ठीक। कपड़े सर इसमें डालना, ठीक है ना। इसमें आपका लिक्विड फॉर्म यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ का पानी आपका अच्छा हार्ड भी है, तो अपने लिक्विड ही यूज़ करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि लिक्विड घुला होता है तो कपड़ों पर प्रॉपर काम करेगा, तो कपड़े की क्वालिटी देगा और कपड़े की लाइफ भी बढ़ेगी, ठीक है। इसमें डालना ये फिल्टर, एक ही जो हर हफ्ते में एक बार निकाल के आपको साफ करना है, ठीक है, क्योंकि जो डस्ट वगैरह बैठेगी वो इस पर बैठेगी। इसको साफ कैसे करना? कुछ नहीं, निकालोगे तो बचा दिखेगा, डीप रास्ट ठोक देने बिका रहता है। कपड़े डालें, लिक्विड डालें, इसको बंद। ये आपका ऑन ऑफ है, ये आपका स्टार्ट पोस्ट है, ठीक है ना। ऑन किया, प्रोग्राम सेलेक्ट किया और स्टार्ट किया, पर आप जब भी यहाँ से ऑन करोगे तो पहला प्रोग्राम आपका स्मार्ट सेंस हो, 99% यही प्रोग्राम चलता। इस प्रोग्राम पे आपके 12-14 कपड़े आराम से धुल जाएंगे, 12-15, ठीक है। कपड़े के लोड के हिसाब से इनको चॉइस करेगी, टाइम खुद चॉइस करेगी, अपन कुछ नहीं कर सकते, ना मैं ना आप, ठीक है ना। पानी लेगी, वॉश करेगी, रिंस करेगी, स्पिन करेगी, ड्राई करेगी, पानी लेगी, ब्रश मारेगी, खंगाल लेगी, निचोड़ेगी और निचोड़ के आपको दे देगी, सुखा के नहीं देगी। कोई भी कम कर यानी मशीनें सिर्फ जो WD होती है वही सुखाती, ये नहीं सुखा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा, प्रोग्राम को चेंज करना हो तो ओनली आपको वॉश और रिंस स्पिन तीन चीज करनी है, तो 36 मिनट में ही कर दीजिए। ओनली आपको वॉश करना, वॉश मतलब होता है ब्रश मारना, आपकी भाषा में चलू जैसे ओनली ब्रश मारना, खंगाल अलग से हमको निकाल के तो आप कर सकते हो, तो 16 मिनट में ब्रश मार देगी, तो ऐसा उल्टा काम तो करेंगे नहीं ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट प्रोग्राम वॉश भी करना और रिंस भी करना है, रस भी मारना और खंगलवाना है पर निचोड़वाना नहीं इससे, हम तो भी कर देगी। और ओनली हाथ से ब्रश मार दिया, ओनली खंगालना खंगालना तो खंगाल देगी, जिस पर लाइट जल रहा है वो वर्किंग में, ठीक है, ठीक है। खंगालना भी है और निचोड़वाना भी है, दोनों कर देगी। और ओनली हाथ से धो लिया, सिर्फ ड्राई कराना, तो यही आपका काम में आएगा 99%, ये भी सिर्फ ड्राई कराएंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा रहेगा एक्वा सैप भी कहें, सैम प्रोग्राम पानी लेगी, ब्रश मारेगी, ठंडा लेगी, ठंडा देगी और रुक जाएगी, ड्राई करके नहीं देगी। जो पानी बचा है कपड़े निकालनी है, जैसे अपन हाथ से धोते हैं ना, तो बाल्टी में पानी साबुन वाला बच जाता है तो और कपड़े डुबो देते हैं, तो इसमें साबुन वाला नहीं बचता, खंगालने का पानी बचता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो पानी। एक्सप्रेस 4-5 ही कपड़े, 5-6, तो एक्सप्रेस यूज़ करिएगा, 30 मिनट में आराम खत्म कर देगी। हैवी वॉश, बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े हैं आपके बेडशीट वगैरह, 1 घंटे 16 मिनट ये कर लीजिएगा, सारा काम करके भी। डैनिक है सिल्की या ऊनी कपड़े आप इस पर धो सकते हो, पर 5-6 कपड़े डालना, लिक्विड डालना, इधर से थोड़ा सा लिक्विड डालो ना, इसको लगाना एक और दो, वो छोड़ के चल देना, ये अपना करेगी या अब अपना करना, ठीक है, ये सबसे ईजी है आपके लिए।
या कुछ देखना है क्या? कुछ ही नहीं देखना, अजय देखो ले लिया उसने ना। हाँ और फ्रेंड्स पर कपड़े का लोड होगा तो टाइम पड़ा ले अड़तालीस समय पे 48 दीजिए कैटे से ऊपर ले लेके क्योंकि पानी का फिसर नहीं है। ठीक है 4 साल वारंटी 10 साल मोटर की वारंटी इंटरनल पार्ट सारे कवर होंगे फिजी दंत वो भी तोड़ हो गया या चूहा कुछ भी करके जाएगा पेमेंट आपको ही दे। कपड़े डाल दीजिए जिसके बाद पावर दबाए एक बार करो व्यक्तिगत एक बार इसको दबाया उसके बाद इसको दबाया। अब दूसरी चीज अब यहाँ मेरे को धोना भी है खगोलना भी सब सारी चीज़ें सारी कर रही हो करो अपने आप करेंगे कुछ भी दबाने की जरूरत नहीं करेंगे दबाने के अंदर। ठीक हाँ दो बटन दबाने और ये आप मैं वापस से एक बार समझा दो ये चारों जैसे हमको प्रोग्राम इधर के आना है तो इस बटन को तब तक दबाना कि इधर लाइट ना जाए। ठीक है ध्यान दे एक बार से खंगालने के बाद पानी बचाएगी। हाँ एक्सप्रेस 4-5 कपड़े धोना हो सिर्फ ओनली जैसे स्टार्टिंग में 4-5 ही धोना हो फिर तो यहाँ करके छोड़ दो बस मतलब इन दोनों को दबाने के बाद यहाँ करके छोड़ दो चार उसको ऑन करो इधर से प्रोग्राम चेक करो इसके बाद इसको एक पाइप लगा दो ठीक हैवी चलाना है बेडशीट वगैरह तो नहीं तो बेडशीट स्मार्ट में चलाइए कंबल नहीं दिखता सिंगल बेड का रुलेन और डबल बेड का नहीं लगता इसमें। पावर ऑन प्रोग्राम स्टार्ट ठीक है इन बटनों को 3 सेकंड कंटिन्यू अब जब प्रेस करोगे चाइल्ड लॉक बह जाएगी ठीक फिर कोई बटन काम नहीं करेगी ठीक ठीक है ना हटाना है तो वही कंडीशन है ठीक और चलती मशीन में इसको नहीं खोलूंगा 2 महीने में मशीन की सर्विसिंग के लिए खुद की क्योंकि पानी हार्ड भी है तो इसमें डिस्कैनिंग पाउडर डालता मशीन की खुद की सफाई थी अच्छा वो डाल दो तो अंदर की सारी कभी साफ हो जाएगी वाइट वाइट नजर दिख रहा आपने यहाँ कपड़े डाल दिए अब इसके अंदर जो है हाँ केमिकल डालना अच्छा है किसान है बस आधा बस 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 है अपने को क्यू वॉश पे करना है यहाँ पे अपन को करना है इस पर एक्सप्रेस 30 क्योंकि 2 टॉवेल ही डाले हैं अपन ने तो अब अपने को यूज़ करना है तो यहाँ पे देखिए ये 2 बार करा 3-4 ये देखो एक बार से अभी अपने को लाना है एक्सप्रेस पे अब अगर इसके बाद में मैं एक और बटन प्रेस करूंगा तो ये आ जाएगा हेवी पे जैसे अब आपको आपने बोला कि आपको चादर ब्लैंकेट ज़्यादा यूज़ करने मतलब धोने हैं तो आप ये वाला यूज़ करना हेवी बटन जो है वो आपने पहले ये चालू करी उसके बाद में आपको कम से कम 6-7 बार दबाना है ये लाइट पे जहाँ पे जलेगा वहाँ पे आपको छोड़ देना तो आपको नहीं इसको हाँ इधर आना है जिससे वो प्रोग्राम सिलेक्ट हो जाएगा अब ये प्रोग्राम सिलेक्ट हो गया जैसे मान के चलो अभी अपने को थोड़ा जल्दी धोना है तो ये देखो ये 30 मिनट में धो जाएगा अपने को सिंपल से एक क्लिक कर देना है अभी चालू हो गई वॉशिंग मशीन ये देखें ये पानी लेना चालू हो जाएगी आप वो हाँ अब इसके अंदर जो है वो आपको एक एरर आएगा FH या FL ये एरर जो है वो नॉर्मली जब आता है जब आप कपड़े बहुत ज़्यादा फुल जो है वो लोड कर देते हैं तो आपको इसकी कैपेसिटी के हिसाब से ही लोड करना है जितने भी है मान के चलिए अभी ये आपकी वॉशिंग मशीन है वो 7 किलो की है तो इसका 95% या 90% ही आपको कपड़े जो है वो लोड करना है पूरा भरोगे तो दिक्कत आएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी आप कपड़े इसके अंदर डाल रहे हैं तो एक तरफ नहीं करना है आपको ऐसे फैलाते हुए डालना है हाँ नहीं तो इसका बैलेंस ही बिगड़ जाएगा और इसमें आपको NSE एरर आ जाएगा ये आप NSE देख रहे हैं ना लोड सेंसिंग एरर वो इसलिए आता है हाँ ये NSE एरर आ जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप बात करें ये देखें ये जो मोटर एरर आ रहा है ER अगर आपको आया तो ये मोटर में एरर है इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं कस्टमर सपोर्ट को कॉल करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट डिटेल्स IFBK 7KG 5-star टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो के माध्यम से जरूर सीखा होगा कि इस वॉशिंग मशीन को आपको कैसे यूज करना है। दोस्तों एक वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है आपको टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन या फिर फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कौन सा डिटर्जेंट पाउडर यूज करना चाहिए या फिर कौन सा डिटर्जेंट लिक्विड यूज करना चाहिए इसके ऊपर हमने आपके लिए डिटेल में एक वीडियो बनाया
हुआ है, उस वीडियो के लिंक दोस्तों आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपका पूरा जो है वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि आखिर आपको अपनी वॉशिंग मशीन के साथ में कौन सा डिटर्जेंट यूज करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों वॉशिंग मशीन में टब क्लीन जो है वो आपको 2 से 3 महीने के अंदर एक बार करना जरूरी ही होता है, लेकिन अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर आता है तो कम से कम आपको 1 महीने में वॉशिंग मशीन का टब क्लीन करना बहुत ही जरूरी है। और टब क्लीन दोस्तों आईएफबी की वॉशिंग मशीन किस वॉशिंग मशीन के पाउडर के माध्यम से होती है उसकी भी बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास टॉप लोड की बजाय एक फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो इसके ऊपर भी हमने कंप्लीट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन डेमो वीडियो आपके लिए बना हुआ है, उस वीडियो की लिंक भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर भी आप आईएफबी की फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को कैसे यूज करना है उस बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपना प्यार देना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए, आपके सवालों का रिप्लाई आपको हमारी ओर से मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।